एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए कि मेरी शक्ल आपको नजर आ रही है प्रमोद। यस सर, ऑल ओके, यूट्यूब लाइव, फेसबुक लाइव। ओके, धन्यवाद धन्यवाद। मैं एक बार फिर से आपका फेसबुक लाइव में स्वागत करता हूं। ओके, आज हम जिस विषय के ऊपर बात करने वाले हैं वो आपके सामने है कि अमेरिकन सेना जो अफगानिस्तान से वापस जा रही है उसका भारत की सुरक्षा के ऊपर क्या क्या असर होगा। दूसरा मुद्दा जिसके ऊपर हम बातचीत करेंगे वो ये है कि अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी साल में एक बार एक रिपोर्ट फिर से आपका फेसबुक लाइव में रिपोर्ट करती है। एक मिनट, शायद डबल हो रहा है। ये क्या मेरी आवाज आपको डबल आ रही है क्या? मैं होप करता हूं कि मेरी आवाज आपको डबल नहीं आ रही होगी, क्योंकि मुझे लगा कि दो विंडोज एक साथ खुल गई थी और मेरी आवाज आपको डबल आ रही थी। ओके, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे। तो अमेरिका की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है साल में दो बार करेक्शन साल में एक बार एक रिपोर्ट तैयार करती है कि जो 2021 का रिपोर्ट उन्होंने 8 अप्रैल को जारी किया, जिसके अंदर उन्होंने ये असेसमेंट दिया है कि चाइना आगे आने वाले एक साल के अंदर क्या कार्रवाई करेगा, इसके ऊपर उन्होंने अपनी जो असेसमेंट है वो असेसमेंट दी हुई है। तो ये असेसमेंट क्या है, इसका हमारे ऊपर क्या, इसमें भारत के लिहाज से इस असेसमेंट का हमारे ऊपर क्या असर होगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और इसके सिवाय कुछ एंटी इंडियन ग्रुप्स है जो अमेरिका और यूरोप में हमारे देश के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करते हैं, हमारे देश के खिलाफ कुछ बुरा कहने की कोशिश करते हैं, जिससे उस देश में ये सोचा जाता है कि शायद हिंदुस्तान में या भारत में या इंडिया में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो हम इसके ऊपर भी थोड़ा सी बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए बहुत है, मैं जल्दी से शुरू करता हूँ। जब पहले सबसे पहले हम शुरू करते हैं जो चाइनीज वायरस का संकट हमारे देश के ऊपर है, उसकी आज की स्टेटस क्या है। अगर आप आज की स्टेटस देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि टोटल जो केसेस आज हमारी देश में है वो है 1,47,88,109। ये हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उनकी स्टैटिस्टिक्स है, जिसमें से एक्टिव है 18 लाख, टोटल रिकवरीज हुई है वो 1,28,00,000 है, और जो डेथ टोल अभी तक हुआ है वो है 1,77,150। और वैक्सीनेशन के सेक्टर में हमने बहुत प्रोग्रेस की है, 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन किया गया हुआ है। और जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि इस सब के लिए चाइना जिम्मेदार है, तो हमारी सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने इकट्ठा होके चाइना के खिलाफ एक रिजोल्यूशन पास करना चाहिए, वो पार्लियामेंट में हो या असेंबली में हो, कि उन्होंने जो हमारे लॉसेस है वो उसकी भरपाई करनी चाहिए। दूसरी बात, एक अच्छी खबर यह है कि हमारी जो वैक्सीन कैपेसिटी है उसे 10 गुना ज्यादा बढ़ा रहा है। और अगर आपने आज के न्यूज़पेपर सुने पढ़े होंगे तो उसमें यह खबर आई हुई है, जिससे आने वाले दिनों में पूरी जो हमारी देश की पॉपुलेशन है उसे हम वैक्सीनेट कर पाएंगे। अभी जब हम हमारी देश की सुरक्षा की बात करते हैं, मैंने हमेशा बोला है कि चाइना और पाकिस्तान हमारे खिलाफ एक हाइब्रिड वॉर लड़ रहा है, या तो वो कोरोना का है, या स्टैंड ऑफ ट्रेड वॉर है, या आर्थिक युद्ध है, या नक्सलवादी या माओवादियों का युद्ध है, या पाकिस्तान जो गड़बड़ कर रहा है कश्मीर में वो है, या सैबोटाज है। तो ये हाइब्रिड वॉर 365 डेज चलेगा, जिसके अंदर एक नॉर्मल इंडियन जो है वो एक सोल्जर है। तो इसीलिए
करने की जरूरत यह है कि ये लोग क्या चाहते हैं इस सब से। अभी जो माओइस्ट वायलेंस हुआ था, जिसके बारे में हमने लास्ट प्रेजेंटेशन में बात की थी, जिसमें आपका रिस्पांस अच्छा था, तो क्या माओइस्तान अलग होगा, नक्सलिस्तान अलग होगा, कश्मीर अलग होगा? बिल्कुल नहीं। किसी की भी हिम्मत नहीं है हमारे देश के टुकड़े करने की। लेकिन इससे जो हमारी देश की जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो कम हो रही है, ये हमारे देश के जो दुश्मन है वो चाहते हैं। क्योंकि अगर आपकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस ठीक है तो आपकी मिलिट्री माइट बढ़ सकती है, आपकी नेशनल ताकत बढ़ सकती है, आप एक कॉम्पिटिटर के तौर पे दुनिया में आगे आ सकते हैं। तो इसे रोकने के लिए देश के दुश्मन जो चाइना है, पाकिस्तान है, दहशतवादी है, माओवादी है, बांग्लादेशी इलीगल माइग्रेंट्स है, और उनको सपोर्ट करने वाले कुछ एंटी नेशनल इंडियंस जो हमारे देश में काम करते हैं, ये हमारी देश की जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो रोकना चाहते हैं। तो ये जो कल्ट ऑफ एंटी नेशनल एक्टिविटीज जो देश में कुछ लोग इन्हें सपोर्ट करते हैं, इसे रोकने की जरूरत है। और इसमें मैं हमेशा बोलता हूँ, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसको अगर हमने डिफीट करना है तो पूरे देश को इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, पॉलिटिकल अफिलिएशन एकत्र आना पड़ेगा, जिससे हम चाइना और पाकिस्तान का जो मुकाबला है वो कर पाएंगे। तो पाकिस्तान और चाइना क्या कर रहा है, उनकी पहली पॉलिसी थी ब्लीडिंग इंडिया बाय 1000 कट्स, अभी हो गया है ब्लीडिंग इंडिया बाय 1000 एजिटेशंस, बाय 10,000 एक्टिविस्ट और 10,000 एनजीओस। तो ये इस प्रकार से देश की प्रगति को, प्रोग्रेस को, इकोनॉमिक प्रोग्रेस को रोकना चाहते हैं, ताकि देश में अराजकता पैदा हो, तो इसे रोकने की जरूरत है। तो अभी जिस विषय के ऊपर मैं बात करूंगा, इसका सीक्वेंस मैंने यहाँ पे दिया है, लेकिन एक ही मैं बात अभी करना चाहूंगा। जब लास्ट प्रेजेंटेशन मैंने दी थी इस विषय के ऊपर, तो उसमें एक दो क्वेश्चंस आए थे, उन क्वेश्चंस को हम उस समय रिप्लाई नहीं कर पाए, क्योंकि वो मुझे नजर थोड़ा सा लेट आ गया। लास्ट टाइम का हमारा टॉपिक था कि मिलिट्री स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए माओइस्ट को बर्बाद करने के लिए। तो इसमें एक व्यक्ति ने पूछा था कि इसके अंदर इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, एक ने पूछा था इंडियन नेवी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इनका नाम आज मेरे पास नहीं है, आप अगर आप चैट बॉक्स में देखेंगे तो आपको इनके नाम नजर आ जाएंगे, उसके लिए मुझे माफ करिए। तो इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल अभी थोड़े प्रमाण से यहाँ पे हो रहा है, लेकिन वो लॉजिस्टिकली हो रहा है, यानी कि जब ये पैरामिलिट्री फोर्सेस या सीआरपीएफ के सोल्जर्स इंजर्ड हो जाते हैं, तो इंडियन एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर्स है, इंडियन आर्मी के जो हेलीकॉप्टर्स है, उनको कैजुअल्टी इवैक्यूएशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई वीआईपी उस इलाके में जाता है तो वीआईपी रेकी के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो एक शस्त्र के तौर पे इस्तेमाल नहीं किए जा रहे हैं। और कुछ प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स भी जो है वो इसे इस्तेमाल, उनका यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन वो लॉजिस्टिकली हो रहा है। एक शस्त्र यानी कि उसके ऊपर कोई हथियार नहीं लगे हुए है माओइस्ट के ऊपर हमला करने के लिए, ट्रुप्स को वहां पे ड्रॉप करने के लिए, जैसे हेलीबॉन लैंडिंग लड़ाई में हम करते हैं, उस प्रकार से लैंडिंग नहीं हो रही है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव काम जरूर हो रहे हैं। दूसरी बात, नेवी क्या करती है, तो नेवी कोस्टल सिक्योरिटी के अंदर इन्वॉल्व है। आपको मैंने इसके काफी बार बोला हुआ है कि माओइस्ट के पास वेपन्स की कोई कमी नहीं है। अगर आपके पास एक वेपन है तो वो 20 साल एक राइफल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो बुलेट आप राइफल में इस्तेमाल करते हैं, जो एक बार अगर आप फायर करेंगे तो उसका दूसरी बार इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि वो रिसाइकल नहीं हो सकती। तो इसीलिए जो शॉर्टेज होता है माओइस्ट के लिए वो होता है एम्यूनिशन का, और ये एम्यूनिशन वो अपने जंगल के अंदर नहीं बना पाते, तो इसके लिए ये जो एम्यूनिशन है वो उनको लाना पड़ता है। कुछ एम्यूनिशन तो वो जो लूटी हुई है पुलिस से या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस से वो इस्तेमाल करते हैं, कुछ जो है उन्हें दहशतवादी या क्रिमिनल सिंडिकेट देता है, और कुछ एम्यूनिशन ये जो साउथ ईस्ट एशिया के जो क्रिमिनल सिंडिकेट्स है उनको
भाई समुंदर की तरफ से, आंध्र प्रदेश के कोस्ट लाइन की तरफ से, ओडिशा के कोस्ट लाइन की तरफ से ये सप्लाई करते हैं, इस प्रकार की न्यूज है। तो इसमें नेवी, कोस्ट गार्ड और जो कोस्टल पुलिस है आंध्र प्रदेश के है, उसके बाद ओडिशा के है, वेस्ट बंगाल के है, इनका काम है कि इस प्रकार से एम्युनिशन, ड्रग्स वगैरह यहाँ से नहीं आने चाहिए। इसके लिए मजबूत कोस्टल सिक्योरिटी की जरूरत है, लेकिन अभी तक हम ये जो स्मगल हो रहा है एम्युनिशन, उसे अनफॉर्चुनेटली पकड़ नहीं पाए है। अभी मेरा दूसरा मुद्दा आज क्या है, अफगानिस्तान, इसके अंदर इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। आज सबसे बड़ी खबर ये है कि अफगानिस्तान से अमेरिका जो यहाँ पे आया था 9/11 के बाद, ये अभी यहाँ से वापस जाना चाहता है, क्योंकि उन्होंने 2 ट्रिलियन इतना ज्यादा पैसा यहाँ पे खर्चा किया है। उसके सिवाय उनके 2500 से ज्यादा सैनिक यहाँ पे मारे गए हैं। तो वो बोलते हैं कि पूरी दुनिया की रक्षा हम ही क्यों करें, बाकी लोग क्यों नहीं करते। तो इसके लिए वो यहाँ से विड्रॉ करना चाहते हैं। तो इस विड्रॉल के अंदर वो अभी जो सितंबर के महीने में यहाँ से विड्रॉ करेंगे, और पहला उनका इरादा ये था कि वो तालिबान के साथ नेगोशिएशंस करेंगे, जो एक मेन उग्रवादी गट है अफगानिस्तान के अंदर, और उनको ये बोलेंगे कि आप यहाँ पे राज्य जरूर करो डेमोक्रेटिकली इलेक्शन में हिस्सा लेने के बाद, लेकिन आप जो आइसिस है, जो अलकायदा है, जो इंटरनेशनल दहशतवादी गट है, इनको यहाँ पे बेसिस मत दो। लेकिन क्या तालिबान ये सुनेगा? तो शॉर्ट आंसर है नहीं। इसके सिवाय यहाँ पे चाइना इन्वॉल्व है, इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है, पर पाकिस्तान अफगानिस्तान को हमेशा स्ट्रेटेजिक डेप्थ के तौर पे समझता है। तो हर एक देश के यहाँ पे अलग अलग इंटरेस्ट है, लेकिन मैं आपको इतना ही बोलना चाहूंगा, अफगानिस्तान में इतने साल के अंदर बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ है। अभी ये जो पश्तून यहाँ की ट्राइब है, ये ट्राइब पाकिस्तान के अंदर भी है, जो यहाँ पे नीचे वाला जो एरिया है वहां पर वो आते हैं। जो ऊपर जो ट्राइब दिखाई हुई है ताजिक, उनका ऑब्वियसली संबंध ताजिकिस्तान से है। इसके बाद जो उज़्बेक की ट्राइब दिखाई हुई है, वो जो सोवियत यूनियन के जो स्टेट्स है उज़्बेकिस्तान, जो पहले सोवियत यूनियन में थे, अभी नया देश बनाया हुआ है, तो उनके साथ संबंध है, और हजारा एक माइनॉरिटी है। तो ये बहुत ही ट्राइबल बेस्ड सोसाइटी है, और इनको एक ग्रुप कोई कंट्रोल करेगा, ये बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है। और कुछ समय ऐसा था जब वॉर ऑफ टेररिज्म शुरू हुआ था, तो तालिबान का ज्यादातर अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल था, और कम के ऊपर नॉर्दर्न अलायंस जो डेमोक्रेटिकली सपोर्टेड था। तो अभी का स्टेट क्या है? अभी का स्टेट ऐसे है कि ये जो अफगानिस्तान का जो नकाशा है, इसके अंदर आज 50-60% जो एरिया है, इसके ऊपर तालिबान का कंट्रोल है। एक 25-30% ऑफ एरिया है जिसके ऊपर जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है उसका कंट्रोल है, और काफी सारा एरिया ऐसा है जिसके अंदर वहां के जो लोकल चिफ्टन्स है उनका यहाँ पे कंट्रोल है। तो इसके जब अमेरिका चली जाती है तो क्या होगा, जो अफगानिस्तान की आर्मी है उस देश की, क्या उन्हें कंट्रोल कर पाएगी? तो उसकी शॉर्ट आंसर यह है कि अफगानिस्तान को कोई समझ ही नहीं पाया है। अफगानिस्तान हैज बीन अ ग्रेवयार्ड ऑफ 3 सुपर पावर्स इन द लास्ट सेंचुरी, ग्रेट ब्रिटेन इन द 19th century, USSR और रशिया इन 1980s, और अमेरिका अभी वापस जारी है, वो कुछ भी नहीं अचीव कर पाए जिसके लिए उन्होंने अफगानिस्तान में प्रवेश किया था। तो इसीलिए जब कंप्लीट विड्रॉल होगा कि जो होने वाला है सितंबर में, तब हालात क्या होगी। लेकिन इसका एक अच्छी बात यह है कि इसमें एक अमेरिका जो अपनी फौज है, इस फौज को अभी शिफ्ट करना चाहता है अपना नॉर्थ वेस्ट से, यानी कि अफगानिस्तान वगैरह से, और इंडो पैसिफिक जहां पे चाइना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वहां पर वो
ज्यादा फोर्सेस डिप्लॉय करना चाहता है वो हमारे लिए अच्छी बात है। जब तालिबान स्ट्रेंथन हो जाएगी तो उससे गनी गवर्नमेंट जो फिलहाल है वो कमजोर हो जाएगी। इससे पाकिस्तान के जो जनरल्स है और उनके जो चाइनीज फ्रेंड्स है ये बहुत खुश होने वाले हैं, और इससे हमारे देश के लिए और तेहरान यानी कि ईरान के लिए काफी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान एक बार फिर से दहशतवाद को कश्मीर वैली में पुनर्जीवित करना चाहेगा। जो यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी है उनका क्या कहना है, उनका कहना यह है कि तालिबान यहाँ पे जब अमेरिकन आर्मी चली जाएगी तो उसके बाद पूरे जो अफगानिस्तान है शायद उसके ऊपर तालिबान का कंट्रोल आएगा। इसके बाद पाकिस्तान जो अफगानिस्तान है इसका इस्तेमाल हमारे खिलाफ भारत के खिलाफ दहशतवाद को निर्मित करने के लिए करेगा। तो इसीलिए हमने क्या करना चाहिए, हमने जो करना चाहिए हमारे देश ने क्या करना चाहिए वो यहाँ पे दिया हुआ है, इसे आप पढ़ लीजिए। लेकिन उसकी शॉर्ट समरी ये है कि हमने अमेरिका को कन्विंस करना चाहिए कि आप अफगानिस्तान में से जाते हैं फिर भी जो आपके रिमोट कंट्रोल ड्रोन्स होते हैं इसके थ्रू जो अफगानिस्तान की फिलहाल की जो आर्मी है उनको आप जरूर जरूर मदद करो ताकि वो जो प्रॉब्लम होगी उनको इसके खिलाफ अफगानिस्तान तालिबान के खिलाफ लड़ने के लिए उनको मदद मिलेगी, जिससे पाकिस्तान जो है जिससे अफगानिस्तान जो है वो एक स्टेट हेवन नहीं बनेगा जो बाकी के जो देश होते बाकी के जो दहशतवादी गट होते हैं उनके लिए। तो इसीलिए इन नटशेल हमने अमेरिका को कन्विंस करना चाहिए कि आप कृपया आपका जो ड्रोन बेस्ड सपोर्ट आप हवा से देते हैं आपके शिप से देते हैं वो कंटिन्यू करिए। और ये तो शायद कंटिन्यू होगा कि नहीं ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन इतना सही कि हमारी देश ने अफगानी दहशतवादियों को कश्मीर में देखने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, अर्थात इंडियन आर्मी उनके साथ लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन खैर इंडियन आर्मी का खून ज्यादा बहेगा, अभी आप देखते हैं कि महाराष्ट्र में हर साल 30-40 हमारे सोल्जर्स यहाँ कश्मीर में अपना प्राण दे देते हैं, तो शायद इस प्रकार की प्रेडिक्शन नहीं करनी चाहिए और खून ज्यादा बढ़ेगा। अभी मैं मेरे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आ जाता हूँ, वो है कि जो अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट है चाइना के बारे में उसका हम विश्लेषण करेंगे। ये रिपोर्ट आपके पास अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर और मेरी फोकस जो है वो इंडिया स्पेसिफिक रहेगी, यानी कि हमारे देश के लिहाज से उसका क्या फायदा है क्या नुकसान है इसके ऊपर मैं ज्यादा फोकस करूंगा। तो शॉर्ट में ये रिपोर्ट ये बोल रहा है कि जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है वो उनकी जो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर है उसका इस्तेमाल अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए करेगा। वो जो दुनिया के कानून है वो दुनिया के कानून नहीं मानेंगे। इसके सिवाय चाइना साम दंड भेद उल्टे सुलटे जितनी चीजें कर सकता है, मल्टी डोमेन वॉर कर सकता है, हाइब्रिड वॉर कर सकता है, उसका इस्तेमाल करके अपनी ताकत बढ़ाएगा और जो नेबर्स है उनको तंग करता रहेगा। इसके सिवाय अगर जब मौका मिलता है तो वो थोड़ा टेंशन कम करने के लिए काफी विड्रॉ भी कर सकता है, जिस प्रकार की विड्रॉल उनकी पिटाई होने के बाद उन्होंने लद्दाख में की हुई है। चाइना मेजर इनोवेशंस और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज का इस्तेमाल करेगा जिससे वो पूरी जो टेक्नोलॉजी है वो अपने देश में बनाना चाहेगा। चाइना जो उनका सक्सेस है जिससे उन्होंने कोरोना को कंट्रोल किया हुआ है इससे अपना जो वैक्सीनेशन है पूरी दुनिया को भेजेगा। चाइना अपनी जो मिलिट्री माइट है ये बढ़ाएगा।
तो इसका ये अगर सब ये चाइना करने वाला है तो इसके लिए हमारा इंडियन रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, क्या है और क्या हम ये कार्रवाई कर रहे हैं कि नहीं। तो शॉर्ट में हम भी टेक्नोलॉजिकल फील्ड में अभी बहुत सारी प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, उसके बाद ड्रोन टेक्नोलॉजी है, अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस है, इसमें कर रहे हैं। और इसके ऊपर जिसे जिस टेक्नोलॉजी को डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी बोला जाता है, इसके बारे में नेक्स्ट संडे को एक और एक्सपर्ट है जनरल पन्नू, उनके साथ हम और डिटेल में बात करेंगे कि हम हमारी जो प्रोग्रेस है इस क्षेत्र में किस प्रकार से कर रहे हैं। दूसरा ये कि जब तक सवाल है चाइना की वैक्सीन डिप्लोमेसी का, वो उसके इसके साथ भी हम कड़ा मुकाबला कर रहे हैं और शायद हम इस डिप्लोमेसी में चाइना से काफी गुना आगे है, क्योंकि जिन्होंने चाइना की वैक्सीन ली थी वो उससे बहुत ही नाखुश है। पाकिस्तान भी, अफ्रीकन कंट्रीज भी और इंडो पैसिफिक में जो छोटे छोटे कंट्रीज है वो भी। तो इसके ऊपर हम उनसे कड़ा मुकाबला कर रहे हैं। इसके बाद चाइना ग्लोबली क्या करेगा, चाइना रीजनली क्या करेगा। एक बिल्कुल माना जाता है कि फिर मौका मिलने के बाद जब समर शुरू होगा तो फिर एक बार चाइना हमारी जो लद्दाख की जो फ्रंट है वो एक्टिवेट करने की कोशिश करेगा। आपको याद है मैंने बोला था कि जब वहां पे बर्फ गिरती है तो पासेस बंद हो जाते हैं, तो वहां पे चाइना कुछ कर नहीं पाएगा। कुछ लोग डरा रहे थे हमारे लोग देशवासियों को कि चाइना विंटर्स पे भी अटैक करेगा, तभी मैंने बोला था बिल्कुल नहीं, उनकी वो कैपेसिटी नहीं है। और अभी आपने देखा है कि जनवरी फरवरी मार्च, अभी अप्रैल शुरू हो गया है, चाइना कुछ नहीं कर पाया क्योंकि एक तो इंडियन आर्मी से डरता है और दूसरा वहां पे स्नो काफी ज्यादा है। लेकिन जब समर्स शुरू होते हैं कि जो यहाँ पे तो शुरू हुए है लेकिन वहां पे मई के बाद शुरू हो जाएंगे लद्दाख में, तो वहां पे फिर गड़बड़ कर सकता है। जब तक सवाल है साउथ चाइना समुद्र का, वहां पे फिलीपींस को वो किस प्रकार से तंग कर रहा है आपको पता है, वियतनाम को किस प्रकार से तंग कर रहा है वो पता है, वो हमेशा ताइवान को तंग करता है ये आपको पता है। तो इसीलिए शायद अमेरिका अफगानिस्तान से विड्रॉ करके अपनी ताकत चाइना के खिलाफ ले जाना चाहती है साउथ चाइना समुद्र के अंदर या इंडो पैसिफिक में। लेट अस होप कि ये जो मेरी असेसमेंट है ये सही है। चाइना जो अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो एक व्हाइट एलिफेंट है, इसमें काफी चेंजेस करेगा और जिससे वो इकोनॉमिक पॉलिटिकल पावर है ऊपर बढ़ाने की कोशिश करेगा। और उसके बाद वैक्सीन डिप्लोमेसी के बारे में मैंने बोला है, और चाइना डेट डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके, पब्लिक इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को अपना जो इकोनॉमिक चक्रव्यूह है इसके अंदर अटकाने की कोशिश करेगा, और टेक्नोलॉजिकली वो एडवांस होने के लिए सामदंड भेद का इस्तेमाल करेगा। तो हमारी देश का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, हमने लद्दाख में हमारे डिफेंसेस काफी मजबूत किए हैं, यहाँ पे चाइना कुछ नहीं कर पाएगा, चुटपुट चीजें तो करेगा लेकिन बॉर्डर्स हमारी बिल्कुल सेफ है। जनरल नरवणे साहब ने इसके ऊपर बहुत सोच विचार करके इस बॉर्डर को और ज्यादा सेफ बनाया है। इसके बाद दूसरी बात यह है कि जो मल्टी डोमेन्स है वहां पे हम क्या कर रहे हैं। आप कल परसों की ही बात थी, जनरल रावत जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है उन्होंने बताया था कि ऑफेंसिव साइबर कैपेबिलिटीज के अंदर हमारा देश अभी कमजोर है, लेकिन अगले एक दो साल के अंदर यहां पर हम मजबूत हो जाएंगे। इसके सिवाय जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इस प्रकार से हमारा देश भी जो चीज हमारे देश के लिए जरूर है इसके बारे में बहुत कुछ काम कर रहा है, और हम कुछ रोड्स ऐसे बना रहे हैं कि जो म्यांमार से हमारे नॉर्थ ईस्ट में आएंगे, जो बांग्लादेश से हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर आएंगे, जो नेपाल और भूटान के बीच उनको भी इस देश के बीच में से गंगा और ब्रह्मपुत्रा का इस्तेमाल करते हुए जो डिस्टेंसेस है वो कम करने में मदद मिलेगी।
तो हमारा रिस्पांस जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसके इसके में काफी अच्छा है। चाइना की मिलिट्री कैपेबिलिटीज काफी ज्यादा है, उनकी इकोनॉमीज हमारे से 4 गुना ज्यादा बड़ी है, तो इसीलिए चाइना दुनिया में अपने बेसिस बनाता रहेगा, वो अपनी नेवी और एयरफोर्स को बढ़ाता रहेगा। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि चाइना का नेवी और एयरफोर्स के ऊपर वो जो खर्चा कर रहे हैं वो आने वाले दिनों में उनके लिए एक व्हाइट एलिफेंट बनने की उम्मीद है। कारण मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी वो अपना एयरक्राफ्ट कैरियर लेके ताइवान के खिलाफ आए थे, लेकिन उसका ताइवान के ऊपर कुछ असर हुआ क्या? बिल्कुल असर नहीं हुआ। वो अपने रणगाड़े लेके लद्दाख में आए थे, जब जहां पे उन्होंने सैकड़ों रणगाड़े और 60,000 ट्रूप्स वहां पे डिप्लॉय किए, मिसाइल्स वहां पे डिप्लॉय किए, रॉकेट आर्टिलरी डिप्लॉय की, यानी कि जितने बहुत बड़े कन्वेंशनल वेपन्स होते हैं उनका रॉकेट फोर्स है, शॉर्ट रेंज वाला, मीडियम रेंज वाला, इंटरमीडिएट रेंज वाले कन्वेंशनल सिस्टम्स है, ये उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के खिलाफ तिब्बत में या लद्दाख में डिप्लॉय किए थे। लेकिन उसका वो एक साइकोलॉजिकल वॉर था, लेकिन उसका भारत के ऊपर कुछ असर नहीं हुआ, हम वहां पे डट के बने रहे। तो हमारा इस जो उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज है उसका रिस्पांस कैसे है और आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, हमारी जो प्रेजेंट स्टेटस है इसमें चाइना का मुकाबला अच्छी तरह से कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो मॉडर्नाइजेशन है इसकी स्पीड बढ़ने की जरूरत है। जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है वो साइबर स्पेस साइबर वर्ल्ड में हो या स्पेस के अंदर हो या अंतराल में हो, इसे डेवलप करने की जरूरत है। तो इसके ऊपर हम क्या करने वाले हैं डिटेल में इसकी बातचीत हम ये जो आने वाला संडे है उस समय करेंगे। तो हमारा रिस्पांस चाइना की मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को तकरीबन ठीक है, लेकिन ये लेकिन को आप अंडरलाइन करिए, जो डिफेंस बजट है इसे बढ़ाने की जरूरत है। इसके बारे में मैंने बोला है क्योंकि हमारी जो मॉडर्नाइजेशन है वो काफी पीछे है। मेरे ख्याल से जब कोरोना के ऊपर हमारा कंट्रोल हो पाएगा तब डिफेंस बजट शायद बढ़ने की उम्मीद है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो अभी हम कर रहे हैं वो आत्मनिर्भर भारत के अंदर बहुत सारे वेपन्स हमारे देश में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आशा करते हैं इसमें हमें और ज्यादा कामयाबी मिलेगी। WMD यानी कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इसमें चाइना उनके जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है इसे बढ़ा रहा है, IRBM यानी कि इंटर जो नंबर 2 के उनके मिसाइल्स है उसे बढ़ा रहा है, तो और उनका जो न्यूक्लियर फील्ड है, न्यूक्लियर वेपन सिस्टम्स है उसे बढ़ा रहा है और उसे ज्यादा डाइवर्स कर रहा है। जो उनका ट्रायड है यानी कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी का इस्तेमाल करना, एयरफोर्स की मदद से इस्तेमाल करना, ग्राउंड फोर्सेस की मदद से इस्तेमाल करना, नेवी की मदद से इस्तेमाल करना पानी के अंदर से, तो इसे वो और मॉडर्नाइज कर रहा है। तो ये जब सब हो रहा है इसके ऊपर हमारे देश का रिस्पांस क्या होगा? हमारे देश का रिस्पांस सीधा और साफ है कि हमारा भी संशोधन शुरू रहना चाहिए। और शायद आपने देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों के अंदर हमारी जो संस्था है DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने काफी सारे अलग अलग प्रकार के जो मिसाइल्स है उनकी टेस्टिंग की हुई है, और DRDO अभी जो प्राइवेट सेक्टर है इसे हमारे मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के अंदर लाने की बहुत कोशिश कर रहा है। तो ये स्पीड और बढ़ाने की जरूरत है, और काफी सारे स्टार्टअप्स आज डिफेंस सेक्टर में तैयार हो रहे हैं। उसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको 2-3 महीने पहले दिया था कि एक प्राइवेट कंपनी इंडियन आर्मी के लिए एक साथ 75 ड्रोन्स का इस्तेमाल करना ये प्रोग्राम तैयार कर रही है या तैयार किया है, जिससे एक समय हम स्वार्म ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आगे जाता हूँ। स्पेस के अंदर
चाइना क्या कर रहा है स्पेस के अंदर। चाइना बड़े सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, वो मैंड सैटेलाइट वहां पर रखना चाहता है जिससे स्पेस का इस्तेमाल वो अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी और प्रेस्टीज के लिए वो इस्तेमाल करना चाहता है। तो चाइना एक स्पेस स्टेशन लो ऑर्बिट में बनाने की कोशिश कर रहा है, 2024 के बीच में ये हो जाएगा। इसके सिवाय चाइना जो अपनी तीनों सर्विसेज है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इसका इस्तेमाल करते हुए स्पेस जो सर्विसेज है उसे इंटीग्रेट करना चाहता है। सैटेलाइट ट्रेकिंग है, ग्लोबल पोजिशनिंग है, नेविगेशन है जिसे PNT बोला जाता है, इससे वो पूरी दुनिया के ऊपर नजर रखना चाहता है। तो हमारे देश का यानी हिंदुस्तान का इसमें रिस्पॉन्स क्या है, मैं आपको इतना ही बोलना चाहूंगा कि इसरो जो हमारा एक इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो हमारा एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम है, वो इसके ऊपर काफी सारा काम कर रहा है। अर्थात उनकी बजट, उनका जो रिसर्च है उसे और फास्ट ट्रैकिंग करने की जरूरत है। तो हमारा रिस्पॉन्स चाइना के साथ तब और ज्यादा अच्छा हो सकता है जब हमारी इकोनॉमी जो है वो ज्यादा स्पीड से बढ़ सकती है। चाइना स्पेस के अंदर काफी सारे ऑपरेशंस करना चाहता है जिसे काउंटर स्पेस ऑपरेशन के नाम से पुकारा जाता है, जिसके अंदर वो जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उनको बाकी के लोगों के साथ इंटीग्रेट कर रहा है। और चाइना नए नए प्रकार ढूंढ रहा है, नया नया रिसर्च कर रहा है। और आपको पता है कि उन्होंने एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स को भी तैयार किया है जिससे जो सैटेलाइट्स है लो ऑर्बिट के अंदर उसे वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। तो ये अगर चाइना कर रहा है तो हमारा देश क्या कर रहा है। हमारा देश आपको पता है कि एक मेरे ख्याल से 4 या 5 महीने पहले की बात है कि हमारी एक मिसाइल ने जो सैटेलाइट हमारे ही देश का जो खराब हो गया था उसके ऊपर स्पेस में एक वेपन डाक के उसे डिस्ट्रॉय किया। यानी कि हमने दूसरे देशों के सैटेलाइट को बर्बाद करने की जो टेक्नोलॉजी है इसमें हमारा भी संशोधन काफी चल रहा है। जब तक सवाल है साइबर वॉर का, चाइना इसमें पूरी दुनिया का एक बहुत ही बड़ा सुपर पावर बना हुआ है। हमारी साइबर डिफेंसिव कैपेबिलिटी ये तकरीबन ठीक है, जिसके बारे में मैंने बातचीत की थी, CERT साइबर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ये एक कैपेबिलिटी है। और जो हमारा इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन हमारी जो ऑफेंसिव कैपेबिलिटी है चाइना के अंदर पेनिट्रेट करने की, वो अभी नहीं है। तो हमारे जो बेस्ट ब्रेन्स है इनको हमने इकट्ठा करना चाहिए और ये कैपेबिलिटी बनाना चाहिए, जो बनाने की बनाने का प्रयत्न हम कर रहे हैं। अभी चाइना ने जो सर्वेलेंस रखा हुआ है वो इतना बहुत बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए सर्वेलेंस का इस्तेमाल किया है। सभी जो उइगर मुस्लिम्स है उनका फेस रिकग्निशन, उनका डेटा सेंटर किया हुआ है, उन्हें वो कहीं पर भी ट्रैक कर सकते हैं। तिब्बत के जो लोग हैं उनको भी वो ट्रैक कर रहे हैं, जो उनकी माइनॉरिटीज है, जो तकरीबन 10% ऑफ चाइनीज पॉपुलेशन है। चाइना ने दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम ये एस्पियोनेज के लिए तैयार किया हुआ है। हमने भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए हमारे देश के खिलाफ जो दुश्मन है, खास तो नक्सलवादी है, दहशतवादी है, चाइना है, पाकिस्तान है, उनके ऊपर एस्पियोनेज करने के लिए। जो जो हमारी कैपेसिटी है वो अभी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। चाइना अपने इंटेलिजेंस ऑपरेशन दूसरे देशों में करता है, वो उनके इन्फ्लुएंस ऑपरेशन करता है, चाइना दूसरे देशों के इलेक्शंस में इंटरफियर करता है। नो लेस अ पर्सन देन डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने बोला था कि चाइना ने अमेरिकन डेमोक्रेसी के अंदर इंटरफियर किया हुआ है। चाइना ने जो यूरोप और अमेरिका के जो इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियंस है इनको उसे चाइना खरीद रहा है। आपने शायद ये एक इंफॉर्मेशन सुनी होगी कि जो अभी जो बाइडन है, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है, उनका जो लड़का है, उनका हिस्सन,
he's got lot of economic interest in China. तो इससे क्या होता है, जब आपके इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहां पे होते हैं तो आप जो पॉलिसीज तैयार करेंगे चाइना के खिलाफ वो टफ पॉलिसीज नहीं होगी। आप ये बोलने की कोशिश करेंगे कि चाइना ये हमारा एनिमी नहीं है, चाइना हमारा कॉम्पिटिटर है। और यही एक फिलॉसफी जो है हमारे देश में कुछ कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाले लोग बेचना चाहते हैं कि चाइना आपका एनिमी नहीं है। बिल्कुल कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि चाइना हमारा एनिमी नंबर वन है, लेकिन हमारे लोग कुछ बोलना चाहते हैं कि चाइना आपका कॉम्पिटिटर है। कुछ लोग, कुछ न्यूज़पेपर वाले, कुछ रिसर्च प्रोफेसर्स, कुछ और लोग, लेकिन ये सही नहीं है। तो ये इस प्रकार का जो इन्फ्लुएंस ऑपरेशन लोगों को जीतने के लिए वो करते हैं, ये एक बहुत ही बड़ा थ्रेट है जिससे हमने तैयार रहना चाहिए और इसे काउंटर करने की कैपेबिलिटी हमें होनी चाहिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये कम्प्लीटली देश की टेक्नोलॉजी को रिवोल्यूशनाइज करने वाली है, जैसे व्हील ने 19th सेंचुरी में किया था, जैसे कंबशन इंजन में उसके बाद किया था। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो रोबोटिक्स के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, ड्रोन्स में इस्तेमाल हो रहा है, नैनो टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल हो रहा है, क्वांटम टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल हो रहा है। तो और इसके मिलिट्री एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं। आज अमेरिका, चाइना और जापान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे है। यूएस गवर्नमेंट अभी कोशिश कर रहा है चाइना के से आगे जाने का। और जब तक हमारे देश का सवाल है, हमारे देश ने अभी 3 साल पहले ही इस विषय के अंदर एक नई साइबर एजेंसी शुरू की है, नई स्पेस एजेंसी शुरू की है, जिसके अंदर हम हमारे देश का जो रिसर्च है वो शुरू कर रहे हैं। इंडियन अभी हमारा कोशिश चल रहा है कि हमारा लेट स्टार्ट हुआ है तो इस फील्ड में चाइना के साथ कॉम्पीट करे। और अच्छी बात यह है कि एक बहुत ही अच्छे एक इंडियन थे जो गूगल में काम कर रहे थे, वो इंडिया का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम है वो उसके हेड बने हुए हैं। और हमारी जो नीति आयोग है उन्होंने एक बहुत ही रिसर्च पेपर तैयार किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज है इनका हमारे देश में क्या प्रोग्रेस है। तो उसमें उन्होंने नक्शल में ये जो बोला है, ये जो लास्ट वाले 3 पॉइंट है आप इसे सुनिए, और ये चीज है कि जो हमारे देश ने करने की जरूरत है। उन्होंने बोला है कि हमारा देश साइंस इस विषय के अंदर दुनिया के अंदर नंबर 2 के ऊपर है कि हमारे स्टूडेंट्स जो साइंस पढ़ते हैं। दूसरी बात, लेकिन हमारे जो इंटेलिजेंस स्टूडेंट्स है, IITs वगैरह, IIT पवई है, IIT खड़गपुर है, वहां पे जो टॉप नॉच स्टूडेंट्स है, अनफॉर्चुनेटली 85% स्टूडेंट्स है वो अब्रॉड चले जाते हैं, और वहां पे अमेरिका है, यूरोप है और सारे देश है, वहां पे उनके रिसर्च में वो मदद करते हैं। तो आज जरूरत है कि क्या इस टैलेंट को हम रिटेन कर सकते हैं, क्या ये हमारे देश में स्टार्टअप में हिस्सा ले सकते हैं। दूसरा, यूरोप में नासा के अंदर 30% साइंटिस्ट ये इंडियंस है, गूगल है या ये बड़ी जो टेक्नोलॉजिकल कंपनीज है उसकी CEOs इंडियंस है। तो मेरे ख्याल से आज जरूरत यह है कि ये जो इंडियंस जिन्होंने देश के बाहर बहुत अच्छा काम किया है लेकिन दूसरे देशों के लिए, क्या इनको हम वापस ला के हमारी देश की टेक्नोलॉजी, हमारी देश की साइंस को बढ़ाकर हमारी जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है इसे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं कि नहीं। आज हमारे देश को जरूरत है कि हमारे पास 2 वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस है। एक है इसरो, जिसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। इसरो जैसे एक वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन को बनाने की जरूरत है। और दूसरे है BARC, भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर जो मुंबई में है, ये एक 2 वर्ल्ड क्लास है जिन्होंने हमें इन 2 फील्ड्स के अंदर, न्यूक्लियर वेपन्स हो या न्यूक्लियर एनर्जी हो या मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, वहां पे हमें वर्ल्ड लेवल के ऊपर पहुंचाया हुआ है। तो आज इसी प्रकार की इंस्टीट्यूशंस की जरूरत है हमारे देश में, देश को ये जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज है इसमें आगे जाने के लिए। तो आज हमें चीज ये समझना चाहिए
कि चाइना का जो मल्टी डोमेन वॉरफेयर है ये चलता रहेगा। तो इसे हमें जरूरत आज है कि कोवर्ट ऑफेंसिव मेथड्स आज जरूरी है चाइना को बर्बाद करने के लिए अलग अलग फील्ड्स के अंदर। इसमें साइबर अटैक हो, चाइना के इलेक्ट्रिक ग्रिड को सैबोटेज करना हो, चाइना का जो इंटरनल डिसेंट है इसे बढ़ाना हो, ह्यूमन राइट्स वायलेशन चाइना जो कर रहा है उइगर मुस्लिम्स का इसे दिखाना हो, वगैरह वगैरह। तो इसीलिए आज हमारे देश के रिसोर्सेस चाइना के तुलना में कम पड़ रहे हैं क्योंकि हमारी इकोनॉमी पीछे है। तो जरूरत यह है कि अनकन्वेंशनल आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की जरूरत है जिससे हम कम से कम पैसे के अंदर ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके चाइना के साथ कैचअप कर सकते हैं। तो क्या हमारी स्ट्रेटेजिक कल्चर अभी ठीक हो गई है, क्या हमारा देश बदल रहा है, क्या हम टेक्नोलॉजिकल फील्ड में काम कर रहे हैं, क्या हम चाइना के साथ कैचअप कर पाएंगे? तो इसका शॉर्ट आंसर है कोशिश तो जारी है लेकिन अभी दिल्ली बहुत दूर है, रास्ता लंबा है। हमारी देश को आगे आने वाले दिनों में इन सब क्षेत्रों के अंदर बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आप यहाँ पे मैं अभी रुकूंगा और ये जो चाणक्य ने हजारों साल पहले जो बोला था इसे आप पढ़ते रहिए। तब तक मैं कुछ सवाल लेता हूँ, कुछ सवाल मुझे नजर आ रहे हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं। मैं एक दो सवाल लेने की कोशिश करता हूँ क्योंकि समय के कमी के कारण हम ज्यादा सवाल नहीं ले सकते हैं। वराडकर जी बोल रहे हैं कि चाइनीज वायरस से हमारी अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, प्रभावित हो रही है और उससे हमने सीखना चाहिए। राजेंद्र जी आपका कहना बिल्कुल सीधा है। जो मैंने मल्टी डोमेन वॉरफेयर की बात की थी, जब तक इंडियन इकोनॉमी प्रॉस्पर नहीं होती, जब तक मेक इन इंडिया को आगे हम बढ़ाते नहीं है, तब तक हमारा देश को जो रिसोर्सेस है वो नहीं मिल पाएंगे। तो इसलिए आज हमने हमारी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, मेरा खुद का मानना है कि ये जो लॉकडाउन वगैरह जो है इस प्रकार से नहीं करने चाहिए क्योंकि इससे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम जो रोकते हैं वो उससे हमारी इकोनॉमिक स्पीड ये कम हो जाती है। तो कोरोना को रोकने के लिए जो चेन है वो तोड़ने की जरूरत है, ये सभी को पता है। लेकिन मेरे ख्याल से जरूरत यह है, हमारे देश के अगर लोग चाहेंगे तो इसके अंदर वो एक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। वो ये कि कोरोना के लड़ाई में हर एक भारतीय, हर एक हिंदुस्तानी एक सोल्जर है। तो डिसिप्लिन किस प्रकार से, सेल्फ डिसिप्लिन है किस प्रकार से करना चाहिए, इसके बारे में गवर्नमेंट हमें रोज बताती है। सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क का इस्तेमाल करना है, खुद के फैमिलीज को रोकना है, फालतू हरकत को रोकना है। तो ये मेरे ख्याल से आज हमने सभी ने करना चाहिए। हमारे कुछ देश के बांधव है कि जो डिसिप्लिन उनकी ठीक नहीं है, वो बिना कारण बाहर जाते हैं, तो इनको रोकने की जरूरत है। तो मेरे ख्याल से अगर हम बाय वर्ड ऑफ माउथ सभी भारतीयों को बताएं कि कम से कम बाहर जाओ जब जरूरत है तो ही, और बाकी आप सब काम घर में बैठ के करो, तो शायद हम ये चेन ज्यादा जल्दी तोड़ पाएंगे। और दूसरा, वैक्सीनेशन तो इम्प्रूव होने वाला है तो वैक्सीनेशन जरूर लीजिए। तीसरा, आपकी जो इम्यूनिटी है इसको इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, वो उसके ऊपर बहुत बातचीत हुई है जिससे हम हमारी खुद की रक्षा कर सकते हैं क्योंकि ये जो वायरस है उसका म्यूटेशन हो रहा है, काफी कुछ इस चीज हो रही है। मैं उसके ऊपर ज्यादा डिटेल में बात नहीं करना चाहता हूँ लेकिन इतना ही कि कोरोना का दहशतवाद मत फैलने दीजिए। ये एक डिसीज है जिसके ऊपर हम अच्छी तरह से कंट्रोल कर रहे हैं लेकिन उसका दहशतवाद मत बनने दीजिए और आर्थिक प्रगति को चालू रखिए। ये एक शॉर्ट में मैसेज है हमारी देश के लिए। तो चलिए, चाइना के ऊपर बॉयकॉट जारी रखिए। चाइना का कोई भी हो, इंटरनल सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर हो, एप्स हो, उसके ऊपर बिल्कुल बंदी करिए और जिस फील्ड में आप है इस फील्ड में अच्छा से अच्छा काम करके उसे वर्ल्ड क्लास बनाने की कोशिश करें ताकि हमारी इकोनॉमी प्रॉस्पर हो,
ताकि जिससे हमारे सभी लोगों को काम मिले और हमारा देश हमारे देश की रक्षा करने के लिए ज्यादा रिसोर्सेस आर्म फोर्सेस को दे पाए। तो यहीं पे मैं रुकता हूँ, आपको सबको धन्यवाद देते हुए, जय हिंद।